आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे ऑब्जेक्ट टाइप्स। अब देखिए, ऑब्जेक्ट टाइप सीखने के लिए आपको ये सारे टूल्स आने चाहिए। जो भी आपको बॉक्स दिया है, कोन दिया है, शेप दिया है, या जियो शेप दिए, सिलेंडर दिया है, ट्यूब दिया है, टोरस दिया है, पैरामिड दिया है, टीपॉट दिया है, प्लेन दिया है, या टेक्स प्लस दिया है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले आपने देखा होगा यहाँ पे बॉक्स आ रहा है। जैसे आप बॉक्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि आपको मूव टूल पे जाते हुए इस बॉक्स के मॉडिफाई में जाना है और उसकी लेंथ विड्थ डिफाइन करने के बाद उसके सेगमेंट के साथ भी थोड़ा सा वर्क करना है विथ F4 प्रेस करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेंगे यहाँ पे कोन। अब देखिए, कोन आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक बार ड्रॉ कर दीजिए, फिर ऊपर जाइए और फिर उसको यहाँ पे कम कर दीजिए। लेकिन ये है क्या? सबसे पहले इसको समझते हैं रेडियस फर्स्ट के ज़रिए। ये रेडियस आपका फर्स्ट है, इसकी साइज़ बढ़ा देता हूँ मैं अल्ट W के ज़रिए, और ये रेडियस सेकंड है। अब दूसरा इसकी हाइट है जो कितनी होनी चाहिए। अब इसके सेगमेंट वगैरह आप खुद कर सकते हो। और नई चीज़ यहाँ पे ऐड हो चुकी है, वो है स्मूथ। आप कीबोर्ड पे जैसे ही F4 करोगे और यहाँ स्मूथ हटा दोगे तो ये स्मूथ आपको रफली दिखाई देगा। और F4 आप तो जानते ही हो, सेगमेंट के लिए हम लोग, सेगमेंट व्यू और हाइड करने के लिए हम लोग F4 प्रेस करते हैं। जैसे हम लोग स्मूथ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपका स्मूथ दिखाई देगा। अब देखिए क्या है स्लाइस। हम लोग स्लाइस ऑन पे जैसे ही क्लिक करेंगे और इसको घुमा देंगे तो आपको ये स्लाइस यानी कि एक टुकड़ा बनते हुए आपको दिखाई देगा, देखिए। ठीक है, अब देखिए इसकी स्लाइस टू यानी कि पहला वाला फ्रॉम था, दूसरा वाला टू है, यानी कहाँ से कहाँ तक आप इसका टुकड़ा बनाना चाहते हो यह आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको हर एक ऑब्जेक्ट का पैरामीटर्स आपको देखना है। नेक्स्ट है स्पेयर। अब देखिए स्पेयर को जैसे मैं ड्रॉ करूँगा तो एक स्पेयर बन जाता है। अब देखिए इस पेयर के अलग पैरामीटर्स हैं। अब देखिए आप मॉडिफाई में भी ले सकते हो और यहाँ से भी ले सकते हो। अब देखिए सबसे पहले तो रेडियस है, रेडियस कम ज़्यादा कर लीजिए। उसके बाद इसके सेगमेंट, अब सेगमेंट तो नहीं दिख रहे, यानी कि इसके ऊपर F4 प्रेस कर दीजिए, इसके सेगमेंट दिखाई देंगे। अब देखिए सेगमेंट जितने आपको कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए वो आप डिफाइंड कर दीजिए, तो इस तरीके से हमारा शेप्स बन जाएगा। अब इसी स्पेयर में हमें स्मूथनेस ऐड करनी है या हाइड करनी है, ये भी आप करके देखिए। और उसके बाद स्लाइस मोड है, उस स्लाइस मोड को हम लोग यहाँ से आधा भी कर सकते हो। जितना आपको स्लाइस मोड चाहिए उतना ये स्लाइस मोड आपको दिखाई देगा। अब देखिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग इसको स्लाइस कर सकते हैं इन फ्यूचर, लेकिन फ़िलहाल मुझे स्लाइस नहीं चाहिए। नेक्स्ट हम लोग टूल लेना चाहेंगे, जिस टूल का नाम है जियो स्पेयर। अब इस जियो स्पेयर को भी हम लोग यूज़ में ले लेंगे। ये जियो स्पेयर दो तरीके से बनता है, यानी कि एक डायमीटर से बनता है, यानी कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, और दूसरा बनता है सेंटर पॉइंट से, यानी कि बटन होल्ड करके रखिए, आपने जो पॉइंट सिलेक्ट कर दिया उसके सेंटर पॉइंट से ये बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इसके कुछ पैरामीटर्स है, जैसे कि रेडियस हम लोग इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसके बीच में सेगमेंट हम लोग कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। यहाँ कुछ जियोडेसिक बेस टाइप है, इसमें इसको तीन तरीके से डिफाइन कर दिया गया है इस पेयर को, यानी कि ट्रेटा, ऑक्टा और आयोक्सा, इस तरीके से यहाँ डिफाइन कर दिया गया है। अब देखिए इसमें जिस शेप में आपको चाहिए उस शेप में आप ले सकते हो, फिर से वही स्मूथ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ये भी हम लोग आगे समझेंगे। लेकिन इसके पैरामीटर्स आप यूज करके देखिए, ताकि 3ds Max में आगे अगर इसका कुछ भी ऑब्जेक्ट हमें आए तो वो समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं ऑब्जेक्ट टाइप में। ये फिफ्थ नंबर का ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग सिलेंडर बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं। लाइक सिलेंडर के लिए आपको सर्कल में लेना होगा और इसको यहाँ पे सिलेंडर बन जाएगा। देखिए यहाँ पे इसके पैरामीटर्स है। अब इसमें इसकी रेडियस भी हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हो, इसकी हाइट ले सकते हो और विथ साइज से ले सकते हो। फिर इसके अंदर इसकी हाइट सेगमेंट्स, वो तो पता ही, हम लोग ने इससे पहले वाले इसमें सेगमेंट लिया था। और स्मूथ और स्लाइस, ये सारी चीज़ें आप यहाँ कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा
ट्यूब। अब देखिए ट्यूब है क्या पहले समझेंगे, यहाँ बटन होल्ड करते हुए फिर से अंदर चले जाएंगे और ऊपर ले लेंगे। देखिए इस तरीके का एक ट्यूब बन रहा है, लेकिन इसके भी कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि बेसिक पैरामीटर्स हैं जो कि सबके हैं, ये भी आप करके देखिए। ओके ट्यूब हम लोग ने ले लिया है, सेम पैरामीटर्स है, लेकिन इसमें अगर इसका स्लाइस कर देते हो तो मुझे इसका स्लाइस बहुत पसंद है। देखिए आधा स्लाइस ले लीजिए आप और इसके टुकड़े कर दीजिए, लाइक मैं इसकी हाइट भी कम कर देता हूँ, है। अब इस स्लाइस को मैं स्केल कर देता हूँ यहाँ से, जो कि मुझे हैंडल डोर हैंडल बनाने के लिए इजी जाएगा। ये बन गया हमारा डोर हैंडल। फिर से हम लोग इस प्लस वाले ऑप्शन पे यानी क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्ट टाइप में फिर से हम लोग नेक्स्ट हम लोग लेते हैं टोरस। अब देखिए टोरस भी हमारा एक ट्यूब टाइप एक ऑब्जेक्ट बना देता है। अब देखिए यहाँ से आप रेडियस कम ज़्यादा कर सकते हो, ये तो पता ही है आपको। अब इसमें देखिए जितने भी टूल्स है, जितने भी पैरामीटर्स है, जिसमें ये पैरामीटर्स यहाँ पे कुछ चेंज हो चुके हैं, किसमें आपके ट्यूब में। देखिए यहाँ पे इसका रोटेशन नाम का एक पैरामीटर्स अलग से ऐड हो चुका है, ताकि ये घूमेगा, आपके जो सेगमेंट्स हैं वो आपको स्क्रीन पे घूमते हुए दिखाई देंगे। मैं इसको जीरो कर देता हूँ और ये ट्विस्ट यानी कि हाथ को जैसे आप ट्विस्ट यानी कि घुमा सकते हो, उस तरीके से यहाँ घूम रहा है। देखो यहाँ पे आपको बदलाव यहाँ दिखाई दे रहा होगा। सेगमेंट्स वाइज चाहिए, साइड्स वाइज चाहिए तो इस तरीके से आप ले सकते हो, या ऑल स्मूथ चाहिए तो इस तरीके से आप ये स्मूथ के अलग पैरामीटर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये अलग लग रहे हैं हमें यहाँ पे, तो ये भी यूज करके देखिए। और इसका भी यूज़ मैं तो डोर हैंडल के लिए ही करता हूँ, जैसे कि स्लाइस ऑन ऐड कर दिया और यहाँ से मैं इसका डोर हैंडल बना देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब इसको भी ये स्केल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हुए मैं इस रेड वाले स्केल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो हे वी गो, मेरा ये भी डोर हैंडल बन चुका है। ठीक है तो ज़्यादा करके इसका यूज़ तो मैं तो इसी चीज़ के लिए करता हूँ, लेकिन बाकी सारी चीज़ें भी हम लोग इससे बना सकते हैं, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा पैरामिड। अब देखिए देखते इसके पैरामिड में क्या पैरामीटर्स इसके मिल जाएंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे पैरामिड्स हम लोग लेंगे, जैसे पैरामिड हम लोग यहाँ लेंगे तो इस तरीके का पैरामिड दिखाई देगा। मैं आइसोलेट कर देता हूँ। अब इस ऑब्जेक्ट को जैसे ही मैं आइसोलेट करता हूँ तो ये अकेला दिखाई देगा इसमें। अब देखिए इस जो पैरामिड है इसके भी मॉडिफाई में हम लोग जाके देखेंगे तो सेम मिलेगा आपको विड्थ, डेप्थ और हाइट, ठीक है, जो कि सेम रेडियस सेम पैरामीटर्स जो हम लोग लेते हैं उसी तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि सेगमेंट भी आप ले सकते हो। तो बेस लेवल पे सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। ऑब्जेक्ट टाइप में नेक्स्ट लेते हैं हम लोग यहाँ पे टीपॉट। हाँ आप टीपॉट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बटन होल्ड करके रखना है और एक टीपॉट बनाना है। अब इसको भी मैं आइसोलेट कर देता हूँ तो ये बन गया हमारा एक टीपॉट, हम लोग ने यहाँ क्रिएट कर लिया। जैसे F4 पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरे सेगमेंट यहाँ से हट जाएंगे और ये टीपॉट आपको दिखने लगेगा। अब यहाँ जाने के बाद मैं नीचे चला जाता हूँ और यहाँ से इसकी रेडियस कम ज़्यादा कर सकता हूँ मैं। दूसरा है इसकी सेगमेंट, F4 पे क्लिक करते हुए इसकी सेगमेंट देखिए कम ज़्यादा मैं कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो आप भी इसी तरीके से कीजिए और मैं यहाँ से इसको F4 कर देता हूँ और स्मूथनेस हटा देता हूँ तो इसको थोड़ा रफ दिखाई देगा, तो मैं स्मूथनेस रख देता हूँ। लेकिन इसके पैरामीटर्स जो है जो कि अलग दिखाई दे रहे हैं, यानी कि टी पॉट्स के पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, यानी कि बॉडी चाहिए या नहीं चाहिए, हैंडल चाहिए या नहीं चाहिए, स्पॉट चाहिए या नहीं चाहिए, और लीड जो है हमें चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये हम लोग शो हाइड कर सकते हैं, ये टीपॉट जो है एग्जांपल के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, लाइक मटेरियल देने के लिए या कोई भी जो इफ़ेक्ट हम लोग इसमें दिखा सकते हैं, लाइक ग्लास इफेक्ट, स्टील इफेक्ट, ये दिखने के लिए टीपॉट को एज ए एग्जांपल सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है 3ds Max में। इसके बाद वाला ऑप्शन है हमारा प्लेन। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ मूव टूल पर क्लिक कर देता हूँ तो ये जो हमारा प्लेनर है वो इसके नीचे एज अ बेस करके आपको आ जाएगा। देखिए शैडो भी आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, ठीक है।
तो इसके भी पैरामीटर्स हम लोग देख सकते हैं, जो कि इसकी जो लेंथ विड्थ यहाँ पे डिफाइन कर दी गई है, इसके कुछ सेगमेंट भी दिए गए हैं यहाँ पे से जो कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि फ्यूचर में कर्टन वगैरह बनाने के लिए हम लोग को यूज में आएंगे, फिलहाल तो नहीं चाहिए ये। इसका जो रेंडर मल्टीप्लायर है ये भी आगे हम लोग सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके सारे पैरामीटर्स जस्ट बेसिक है, आप भी यूज करके देखिए। फिलहाल मैं इसके सेगमेंट हटा देता हूँ और F4 भी हटा देता हूँ। तो चलते हैं हमारे क्रिएट की तरफ, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स में हमारा सबसे लास्ट वाला जो कि टेक्स प्लस नाम का ऑब्जेक्ट है वही रह चुका है। जैसे इस टेक्स प्लस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे जिसमें लिखा हुआ है लेआउट। आपको कैसा चाहिए ये लेआउट, कौन से एक्सेस में चाहिए, तो फिलहाल ऑटो एक्सेस में ही इसको रखेंगे हम लोग। और यहाँ पे हम लोग जो टेक्स प्लस लिखा हुआ है इसकी जगह पे कोई भी नाम आप टाइप कर लीजिए, जैसे कि मैं पी परफेक्ट टाइप कर लेता हूँ। जैसे आप टाइप करोगे और कहीं पे भी आपको जहाँ चाहिए वहाँ आप क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट यानी कि जो टेक्स्ट है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसको भी आइसोलेट पे क्लिक करते हुए लेता हूँ और मूव टूल के ज़रिए इसको पहले साइड में रख देता हूँ। तो आइसोलेट में सिर्फ ये टेक्स्ट ही दिख रहा है। अब देखिए अल्ट दबा के मैं बीच वाला बटन होल्ड करके ऊपर लेता हूँ, वे मॉडिफाई लिस्ट में जाते हुए आगे के सारे बहुत सारे टूल जो है हम लोग मॉडिफायर लिस्ट में ही देखेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्लिक करते हुए मैं ई एक्स प्रेस कर देता हूँ यानी कि एक्सट्रूड, और फिलहाल इसको सम थिकनेस विथ एक्सट्रूड दे देता हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये 3D दिखना आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्रिएट पैनल में ऑब्जेक्ट टाइप हम लोग ने सीखा। ऐसा ही 3ds Max में ये सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इसके बाद के आने वाले लेक्चर्स आप जरूर देखिएगा, उसमें और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ओके, थैंक यू।